गड्ढा, पानी और बदबू। भारत की सियासत में इतने गड्ढे हैं कि इन सियासी गड्ढों में अगर साफ पानी भी ठहर जाए तो वहां से बदबू आना तय है। लेकिन उस सियासी बदबू को दूर करने के बजाय तमाम सियासी पार्टियां उस बदबू पर सियासत करने से परहेज नहीं करेंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। केरल के कन्नूर विश्वविद्यालय में आयोजित भारतीय इतिहास कांग्रेस के मंच पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से इतिहासकार इरफान हबीब भिड़ गए। उन्होंने राज्यपाल पर गुस्से का इजहार किया। केरल के राज्यपाल ने कहा कि अगर मंच पर सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं होते तो इतिहासकार इरफान हबीब उन पर हमला कर सकते थे। पूरा वाक्या जो है उसका मुख्य केंद्र जो है CAA था। जी हाँ, राज्यपाल के आरोप ने एक नए विवाद को अब हवा दे दी है। CAA का पक्ष और विपक्ष और कितने विवादों को जन्म देगा, जो कन्नूर में हुआ वो कितना सही या गलत था, इन्हीं मुद्दों पर आज हम अगले एक घंटे तक चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, इस रिपोर्ट पर पहले नजर डालिए। CAA की लड़ाई पर सियासी हंगामे चल रहे हैं। उसी नागरिकता कानून की इस जंग का अब अगला मैदान राज्यपाल के भाषण देने की जगह बन जाएगा, ये शायद ही किसी ने सोचा। CAA पर हुई इस नई जंग की हकीकत क्या है, ये इस वीडियो से समझिए। स्टेज पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं, उनके चारों तरफ सुरक्षा कर्मी घेरा बनाकर खड़े हैं, उनकी दूसरी तरफ हंगामा भी हो रहा है। हंगामे के बारे में बताएं, उससे पहले ये तस्वीर देखिए। आरिफ मोहम्मद खान माइक के पास खड़े हैं और एक दूसरे शख्स को कुछ सुरक्षा कर्मी पकड़ कर खड़े हैं। ये दूसरे शख्स जाने माने इतिहासकार इरफान हबीब हैं। लेकिन ये नौबत क्यों आई, इसकी हकीकत इस वीडियो में देखिए। लोगों के लिए मौलाना आजाद ने कहा था पहले कन्वेंशन में, कन्वोकेशन में, कि पार्टीशन गंदगी बहा ले गया, लेकिन कुछ गड्ढे बच गए जिसमें पानी बच गया, बदबू आ रही है उसमें से। मौलाना आजाद ने आप ही के लिए कहा था। आरिफ मोहम्मद खान केरल के कन्नूर में भारतीय इतिहास कांग्रेस के अधिवेशन में नागरिकता कानून के विरोध के खिलाफ भाषण दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का नाम लिया। इतना होते ही इरफान हबीब भड़क उठे और मंच पर ही तूतू मैमे वाले हालात बन गए। Let these people know they can shout me down. If they, I have heard them quietly, they must hear me quietly. What? नहीं सुनेंगे आप, एक मिनट में बाहर हो जाएंगे, नहीं सुनेंगे। इस पूरे हंगामे के बाद केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने खुद ये कहा कि इरफान हबीब उनको मारने की नियत से उनके आसपास आ रहे थे। इरफान हबीब साहब गॉट अप फ्रॉम हिज सीट, ही वांटेड टू चार्ज एट मी, माय एडीसी स्टॉप्ड हिम, देन ही वेंट बिहाइंड द सोफा एंड केम फ्रॉम द अदर साइड, यू सी द वीडियो, एंड बिकॉज ही वॉज परसिस्टिंग, ही वॉज स्टैंडिंग देयर, Vice Chancellor and security people have stopped him on the left side. Right side, from right side, ADC had stopped. आरिफ मोहम्मद खान के बयान पर इरफान हबीब ने सफाई भी दी। इरफान हबीब गवर्नर के सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए नजर आए और दावा करते देखे कि उनके बारे में झूठ फैलाया जा रहा है। इरफान हबीब साहब गॉट अप फ्रॉम हिज सीट, ही वांटेड टू चार्ज एट मी, माय एडीसी स्टॉप्ड हिम, then he went behind the sofa and came from the other side, you see the video, and because he was persisting, he was standing there, vice chancellor and security people have stopped him on the left side, right side, from right side ADC had stopped. इस हंगामे के बीच कौन कितना सही ये तो वक्त ही जाने, लेकिन हकीकत यही है कि राज्यपाल के सामने इस तरह विरोध करना सही नहीं।
राज्यपाल का कहना है कि वो संविधान की मूल भावना समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा था, जो कि असंवैधानिक है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि उनको बोलने से रोक कौन रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, R19। ऐसे में R9 TV जो है वो कुछ सवाल खड़े करता है। चलिए सवाल आपको दिखाते हैं। आरिफ मोहम्मद खान को बोलने से क्यों रोका जा रहा है? आरिफ के बोलने से किसको नुकसान होगा? हालात को मौलाना आजाद के बयान से जोड़ना कितना सही, क्योंकि इसी से जोड़ने से एक नया विवाद जो है अब वो पैदा हो गया है। क्या आरिफ मोहम्मद खान के बयान से लेफ्ट विंग को डर लग रहा है? अब कांग्रेस आरिफ मोहम्मद खान के बयान पर क्या सफाई देगी? तो ये कुछ सवाल हैं जिसके जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। CPI के लीडर डॉक्टर बालकृष्ण कांगो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट पवन सोम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मुस्लिम स्कॉलर फैज अहमद फैज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तमाम गेस्ट का स्वागत है। सबसे पहले तो आपके पास ही आना चाहूंगी कांगो साहब, क्या है ये विवाद? राज्यपाल कुछ कह रहे हैं इस तरीके से जाकर रोकना बीच में, जब सुरक्षाकर्मी रोक रहे हैं उसके बावजूद हमने तस्वीर भी देखी कि रोका जा रहा है उन्हें, वो सोफे के पीछे से जाते हैं, उसके बाद क्या था ये? इसमें दो तीन प्रश्न मैं समझता हूं बहुत अहम है जी। सबसे पहला प्रश्न यह है कि वो गवर्नर की हैसियत से वहां पर बात कर रहे थे जी। अब गवर्नर जब बात करता है और उनको मालूम है कि एक मुद्दे के ऊपर अलग अलग सोच इस देश में है जी, तब दूसरी सोच को गंदगी कहना, गड्ढे का पानी कहना, मैं समझता हूं ये बड़ा इंसल्टिंग है जी। और वो हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस थी, कोई ऐसी कुछ जमे हुए लोग नहीं थे जी। तो नेचुरली उनको इंसल्टिंग लगना यह स्वाभाविक है। और इरफान हबीब जैसे स्कॉलर को इस तरह से गाली गलौज लगना और उसका प्रोटेस्ट करने के लिए वो खड़ा होना, मैं समझता हूं ये वाजवी है। अब क्या ऐसा होना चाहिए था, हो गया, वो गलत हुआ कि नहीं, इसकी बात हो सकती है। लेकिन गवर्नर ये भूल गए कि हम गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और हम जहां पर बोल रहे हैं वहां पे लोग किस सोच के हैं। तो आप इसे क्या मानते हैं, एक्शन का रिएक्शन था? एक्शन का रिएक्शन नहीं था, ये डेलिबरेट प्रोवोकेशन था ऐसा मुझे लगता है। ये कौन, राज्यपाल कर रहे थे? हाँ डेफिनेटली, वो ही फॉरगॉट दैट ही इज अ गवर्नर, वो गवर्नर है भूल गए और सेंट्रल के रिप्रेजेंटेटिव बोल के बात करने लगे, उसके लिए ये हुआ ऐसा मुझे लगता है। पवन सोम, सुना आपने डॉक्टर कांगो को जी। जो वाक्या पेश आया, पहले तो उस बारे में रिएक्शन चाहूंगी। और जिस तरह से डॉक्टर कांगो कह रहे हैं कि बीइंग अ गवर्नर वो जिस तरह के बयान दे रहे थे उस पर ये रिएक्शन लाजमी है, अब सही है गलत है, हालांकि वो भी बचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या ये होना चाहिए था? असल में जो राज्यपाल हैं वो एक संवैधानिक पोस्ट है और हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम किसी मुद्दे पर अगर हम जाके कहीं बोल रहे हैं तो वो एक अलग मामला है। लेकिन यहाँ एक इतिहासकार काफी सारे इकट्ठे थे और हम एक ऐसी तख्तियां लेके लोग भी मौजूद थे सर, शायद हमने दिखाया विजुअल में कि पहले से ही वहां CAA का प्रोटेस्ट हो रहा था। देखिए पूरा ये जो केंद्र है वो CAA को लेकर यहाँ पर है, मुद्दा वही था। अगर ये इतिहास को लेकर हो रहा था और उसको लेकर विश्वविद्यालय में अगर आप मंच साझा कर रहे हैं और राज्यपाल बोल रहे हैं, तो राज्यपाल खड़े हैं और आप तख्तियां लेके CAA को लेकर खड़े हैं, तख्तियां लेकर उसका विरोध दर्ज करा रहे हैं, तो ये कौन लोग थे जो विरोध दर्ज करा रहे थे? अलाउ कैसे कर दिए गए? और अगर आप विरोध दर्ज करा रहे हैं जब राज्यपाल एक संवैधानिक पद पर हैं और वो बोल रहे हैं, तो वो उससे रिलेटेड वो इतिहास के पन्नों को खंगालने लगे। इस पर भी आऊंगी कि क्या अब मौलाना आजाद को कोट किया वो सही किया नहीं किया, लेकिन वो भी इतिहास के पन्नों में चले गए, तो क्या गलत किया? असल में जब हम लोग उस CAA के प्रोटेस्ट में अगर बात को देखें उस कंटेस्ट में, तो ये बात समझ में आती है कि CAA के ऊपर जाहिर सी बातें विवाद हो रहे हैं। लेकिन ये कहना किसी राज्यपाल का कि भाई वहां पर कुछ गड्ढे रह गए थे और कुछ पानी ने साफ कर दिए हैं, कुछ गंदगी रह गई है, तो हमें हमेशा अपने मर्यादित बयान को देना चाहिए राज्यपाल को, क्योंकि आप अगर सरकार में हैं, अगर आप मिनिस्टर हैं, अगर आप किसी दूसरी हैसियत पर हैं, तब तो आप इस तरह के बयान दे सकते हैं और उसके अलग अलग मायने निकाले जा सकते हैं। लेकिन राज्यपाल को भी एक गरिमापूर्ण भाषण वहां देना चाहिए था और एक गरिमापूर्ण अपना आचरण रखना चाहिए था।
प्रेम कुमार जी, आपको क्या लगता है कि वाकई में ये बात तो हो जाएगी, आप संवैधानिक पद पर हैं, उस पद का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इतिहास के पन्नों को खंगाल रहे थे आरिफ मोहम्मद खान का तो यही कहना है कि उन्होंने तो कोर्ट किया तो क्या गलत किया, उनका ये कहना है, स्टेटमेंट है। देखिए श्वेता जी, इस घटना में जो दो पहलू दिखाए जा रहे हैं, एक तो ये कि सबको बोलने का अधिकार है, तो क्या राज्यपाल को बोलने का अधिकार नहीं है? एक सवाल तो ये है, अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है तो क्या राज्यपाल को नहीं है? ये एक बड़ा प्रश्न है। और दूसरा है कि राज्यपाल जो बोल रहे हैं उसके जवाब में जो प्रतिक्रिया है उसका तरीका कितना सही है। हबीब जी बहुत पुराने प्रतिष्ठित इतिहासकार हैं, लेकिन यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि 88 साल उनकी उम्र भी है, तो इस उम्र में वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, एक वायलेंट प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, प्रतिक्रिया तो अशिष्ट थी, इस प्रतिक्रिया का समर्थन नहीं किया जा सकता। इरफान हबीब ही नहीं, आपने सुना प्रेम जी, जब आइट हम चला रहे थे, जो स्टूडेंट बैठे थे वो भी बोल रहे थे, अगर उन्होंने मौलाना आजाद को कोट करते हुए कहा राज्यपाल ने, तो यहाँ से राज्यपाल के लिए उसी तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा था। देखिए स्टेट ऑफ माइंड, देखिए ऑडियंस अगर कुछ ऐसा बोलती है तो ऑडियंस की तो एक गलती मानी जाती है। नहीं, लेकिन वो लोग थे जो सीए को लेकर तख्तियां लेकर खड़े थे, वो आप राज्यपाल के लिए आप भी तो शब्दों का चयन करेंगे सोचकर। हाँ, मैं इस आपत्ति को मान लेता हूँ, लेकिन इसके जवाब में अगर राज्यपाल भी वैसे ही शब्द कहने लगे जो आप ऑडियो में सुन रहे हैं कि हबीब साहब ये आपके लिए है, यानी वो गड्ढे वाली बात, हबीब जी आपके लिए है, तो ये बहुत निंदनीय हो जाता है कि एक राज्यपाल भी वैसे ही शब्दों में जवाब दे। क्या क्या यहाँ पे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जैसी चीज लगती है सुनील कौशिक आपको, कि ये सिर्फ हबीब जी को, इरफान हबीब को बोला गया, या वहां मौजूद जो सीए को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, या कुछ ऐसे एक वर्ग है जिसे लेकर हम कह रहे हैं कि एक समुदाय है जिसे जो खासा आक्रोशित है सीए को लेकर, इसलिए उस वर्ग को कोट करते हुए यहां कहीं ना कहीं राज्यपाल जो है बातें कह रहे थे और उन्होंने मौलाना आजाद को कोट किया। देखो श्वेता, जिस तरीके से सीपीआई के जो नेता बैठे हैं उन्होंने कहा कि वो ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे थे जिसमें घमासान मचा हुआ है, लेकिन सीपीआई के नेता को पता होना चाहिए वो अब कानून बन चुका है, राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है और गवर्नर उस पर बोल सकते हैं। ये संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं कि यदि कोई एक्ट बना है तो उस एक्ट पर गवर्नर या अन्य संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं वो अपनी प्रतिक्रिया दे सकें। दूसरी, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर और मुख्यमंत्री जैसे कार्यक्रम होते हैं तो अंदर कौन लोग बैठे हुए हैं, उनके हाथ में क्या है, और क्या वहाँ ऐसा है कि यहाँ उनको होट किया जाएगा या तख्तियाँ उनके हाथ में जाएंगी या नहीं जाएंगी, ये वहाँ की सरकार की व्यवस्था रहती है। लेकिन यदि ये सरकार के लोगों ने बैठ करके, यहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था में बैठे लोगों ने यदि ऐसे लोगों को अंदर जाने दिया कि वो तख्तियाँ लेकर के वहाँ बैठे हुए हैं, तो ये भी एक जांच का विषय है कि आखिर में हुआ कैसे। यदि गवर्नर साहब के बोलने से पहले ही ये सारी व्यवस्थाएँ वहाँ थीं तो किसी भी बात को लेकर के मुद्दा बनाए रह सकता है। दूसरा, जिस समुदाय का वहाँ कार्यक्रम था या जिन लोगों ने वहाँ बुलाया, चाहे आप इरफान हबीब को ले लीजिए चाहे आरिफ मोहम्मद खान साहब को ले लीजिए, वो एक ही समुदाय के लोग थे, और कभी भी इरफान खान साहब ऐसे व्यक्तियों में से नहीं हैं जो गलत को गलत और सही को सही कहने वाले व्यक्ति हैं। आपको पता होना चाहिए जब 1986 में जब राजीव गांधी सरकार में वो मंत्री थे तो उन्होंने साहिबानों केस पर इस्तीफा दे दिया था, बिल्कुल स्पष्ट तौर से वो साहिबानों के साथ थे, और जब उनके बाद 2004 में जब बीजेपी, उन्होंने ये बात भी कही थी कि नैतिकता के आधार पर, तो ये मेरा मेरी बात बनती है कि क्योंकि खुद डिस्कशन राजीव गांधी ने उस वक्त किया था, बिल्कुल, और जब मैंने उनको सलाह दी कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अड़े रहिए और ये सही है, लेकिन बाद में जब राजीव गांधी पलट जाते हैं तो उन्होंने बोला नैतिकता के आधार पर, मतलब कहीं ना कहीं आज से नहीं पिछले समय से भी देखे तो वो नैतिकता पर चलने वाले, अपने नैतिक मूल्यों को छोड़ने वाले में से नहीं, बिल्कुल, उसके बाद कई इंटरव्यू उनके आए हैं, मुझे तमाम मैंने इंटरव्यू उनके देखे, मुझे कहीं ऐसा नहीं लगता कि जिस समुदाय से वो जुड़े हुए हैं उसका वो भला नहीं चाहते, वो बिल्कुल कट्टरपात के विरोधी है, कट्टरपात के बिल्कुल आलोचक है। आजाद को कोट कर दिया, नहीं बिल्कुल, पहले शिक्षा मंत्री थे, अगर वो ये बात कह रहे हैं, और खासकर ये है कि मौलाना आजाद को लेकर कि पाकिस्तान बनने के वो विरोध में थे, वो नहीं चाहते, नहीं बिल्कुल सही बात है। और यदि वास्तव में यदि हम बहुत गहराई से इसकी जांच करें, आप ये देखिए अभी कहीं से ये आवाज़ नहीं उठी है कि जब देश का गठन हुआ, पाकिस्तान का जब गठन हुआ, तो आखिर में जो दंगे हुए उन दंगों पर भारत सरकार ने कमेटी क्यों नहीं बनाई, उन दंगों का जिम्मेदार वो कौन से चेहरे थे, वो कौन से दंगों का लोग नेतृत्व कर रहे थे, ये आखिर में एक जाँच का विषय है, इस पर पर्दा उठना चाहिए कि आखिर में वो कौन लोग हैं
दूसरी बात सरकार किसकी आई और उन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे दंगे हमारे देश में होते हैं, उन पर भी कमेटियां बनती हैं, रिपोर्ट आती हैं, लेकिन जिस समय देश का गठन हुआ वह लाखों लोग मारे गए, तमाम बलात्कार हुए, लेकिन आज तक किसी जांच कमेटी ने उस पर रिपोर्ट भारत सरकार को नहीं सौंपी। दूसरी दोनों देशों के बीच आपको कि किसका नुकसान हो जाता अगर आरिफ मोहम्मद खान उस दिन अगर सारी बातें रख देते या इतिहास के पन्नों को जहां पलटने लगे थे तो किसका नुकसान? नुकसान नहीं होता, कट्टरपंथ के जो लोग हैं वो सुनना नहीं चाहते सही बात, और यही हकीकत है। आप देखो कि जब सीए को लेकर के इतना विरोध हुआ सड़कों पे और जब लोगों से पूछा गया तो क्या निकल के आया कि समझाने में सरकार नाकाम, मतलब समझा नहीं पाई सरकार। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि आखिर में बड़े बड़े विज्ञापन देके लोगों को समझाइए, और ये निकल के वास्तव में आया कि लोगों की समस्या परय था। तो ये कुछ ऐसे समाज के लोग, ऐसे समाज के चेहरे या ऐसे लोग हैं यदि वो वास्तव में हकीकत बताना चाहते हैं, पीछे इतिहास की बात करना चाहते हैं, या जिन जिन पदों पे वो रहे हैं उन्होंने वो खुद महसूस किया है उसकी वो चर्चा करना चाहते हैं, तो उसमें गलत क्या है, विरोध किस बात का है? दूसरी बात, पूरा भाषण उनका होता, ससम्मान तरीके से उनका विरोध करना था, विरोध करते जो करना, लेकिन एकदम बीच में जाकर रोक देना यह बहुत गलत है, ये गवर्नर की गरिमा के खिलाफ है। फैज अहमद फैज, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना यह है कि आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल के बारे में इरफान हबीब साहब ने खुद कहा है कि इतिहास कांग्रेस में आरिफ मोहम्मद खान को इनवाइट ही नहीं किया गया था। यह एक बहुत बड़ा सवाल है, अगर उनको इनवाइट ही नहीं किया गया था तो वो अपने राज्यपाल के ओहदे का इस्तेमाल करते हुए नाजायज तरीके से वहां एनआरसी और सीएए की हिमायत में बोलना शुरू कर देते हैं तो उनका विरोध स्वाभाविक था और उनका विरोध होना चाहिए। फैज अहमद फैज, इज इट पॉसिबल एक संवैधानिक पद और वो भी नहीं, बिल्कुल गलत है। इसमें श्वेता इरफान बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, शेड्यूल बने होते हैं, राज्यपाल एक ऐसी पार्टी से चुनकर आए हैं, ऐसी पार्टी ने उनको राज्यपाल बनाया है जो गोडसेवादी है, तो जिसकी कौन सा गवर्नर पार्टी से नहीं आता, गोडसे की आइडियोलॉजी तोड़ रही हो इतिहास तो में आप, वो आदमी कौन सा गवर्नर जो है वो ऐसे नहीं आता, कौन सा भारत के इतिहास में गवर्नर का आजाद की बात को कोट करें, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं, क्यों बिल्कुल नहीं कर सकते? नहीं, क्यों? और दूसरी बात ये, गलत कोट किया, गलत कोट किया, एक मिनट मौलाना आजाद, मौलाना आजाद ने जो बात गड्ढों वाली कही थी वो इन्हीं लोगों के लिए कही थी, ये वही लोग हैं जो गड्ढे हैं, ये देखिए यही वो लोग हैं, ये आप कह रहे हैं वही लोग हैं, ये आप कह रहे हैं राज्यपाल के लिए रह गए और ये गंदगी मचा रहे हैं, ये वही लोग हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो उन्होंने अपने लिए कहा तो मिर्ची लोगों को क्यों लगी? यदि आप ये कहते हो कि ये वही लोग हैं, तो वो ये कह रहे हैं गड्ढे वाले लोग हैं, गड्ढे हम हैं, अरे तो अब आप कह रहे हो हम हैं, आपने ये कहा, आपने ये कहा कि वो खुद अपने लिए यूज किया है उन्होंने, तो दूसरे लोगों को मिर्ची क्यों लगेगी? मुझे 20 सेकंड दीजिए। आरिफ मोहम्मद खान अगर वो गड्ढे और बदबू और कूड़े कचरे की बात कर रहे हैं मौलाना आजाद के हवाले से, तो वो ये समझ लें कि उन्होंने इन्हीं लोगों के लिए कहा था। इन्हीं लोगों कौन सर, एक बार यही जो भाजपा के पैरवी करते फिरते हैं, यही चाह रही थी, बीजेपी और कांग्रेस के पास जाओ, आपको भी क्या यही लगता है कि राज्यपाल भाजपा के पैरवीकार हैं इसलिए उन्हें रोका गया, या बोलने से नुकसान किसका होता है? मुझे लगता है कि हम जो मूल इश्यू है उससे डाइवर्ट हो रहे हैं। पहले ये देखिए कि गवर्नर का काम क्या है। गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन गवर्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जिसने राज्य सरकार के गवर्नर के प्रवक्ता के से काम कर रहे हैं। उन्होंने राज्य में वो भाजपा के प्रवक्ता के राज्य सरकार के नुमाइंदे हैं, ये जिम्मेदारी कल वो कह रहा है भाजपा के कार्डर को खड़ा कीजिए और अपनी मर्यादा को तोड़ते हुए भाजपा के कुछ भी अगर आप डॉक्यूमेंट्स दीजिए, कुछ भी बैठ के मत बोलिए, रिटर्न में नहीं होता तो आप यहाँ बैठ के कुछ भी बोलेंगे, इसी तरह देश को भ्रमित मत कीजिए, रिटर्न में है डॉक्यूमेंट्स आपके पास, आप
आपके पास वो जो मैसेज है, आपके पास वो जो सर वहाँ सीए को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था, उनको कौन सा अधिकार है कि वो हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान को? आप मुस्लिम स्कॉलर है इसलिए मैं आपसे समझने की कोशिश कर रही हूँ। मौलाना आजाद को कोट किया, क्या ये गलत किया? क्या ये बात नहीं करी थी? क्या ये बात नहीं करी थी? आप खुद कह रहे हैं कि आरिफ मोहम्मद खान वैसे गड्ढे हैं। देखिए ये सोच देखिए सर, अगर आपको कहना है तो आप ये कह सकते हैं कि इस बात को कोट करने की क्या जरूरत, लेकिन आप उन्हें गड्ढा बता रहे हैं। अगर वो खुद के लिए कह रहे हैं तो फिर आपको मिर्ची क्यों लग रही है? मिर्ची क्यों लग रही है सर? क्योंकि वो जानते हैं कि उनको वहां पर सिर्फ इसलिए भेजा गया है कि वो भाजपा की प्रवक्ता की हैसियत से, मतलब अगर बीजेपी के समर्थन में बोल दिया किसी गवर्नर ने तो वो बीजेपी के प्रवक्ता हो गए, उनको हक नहीं है। तो फिर आप बताइए, उनको बोलने का भी हक नहीं था? वो तब भी बीजेपी के प्रतिनिधि थे, तब भी बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में राजीव गांधी सरकार में थे, तब भी राजीव गांधी सरकार में थे, बीजेपी के प्रतिनिधि के रूप में थे, तब भी भाजपा का काम कर रहे थे, भाजपा का काम किया था उन्होंने। क्या लगता है लेफ्ट डर गई थी इस तरह से सीए को लेकर खुलकर? एक आरिफ मोहम्मद खान, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए इंसान, अगर चीजों को सामने रखेंगे और बातें बताएंगे तो शायद कहीं ना कहीं वर्ग विशेष जो है वो समझने की कोशिश भी करे कि भाई हमारे ही समुदाय के बहुत लोग ऐसे उठ उठ के अगर बात समझा रहे हैं तो कहीं ये आंदोलन है वो ठंडा ना पड़ जाए, आप लोगों का नुकसान ना हो जाए, नुकसान का डर। देखिए आरिफ मोहम्मद खान ये गवर्नर है, इसको आप मत भूलिएगा। नहीं, मैं भूल हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में आज कोई भी आदमी बात करता है तो उसको आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई किया जाता है जी। उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी क्या है और उसने किसके सलाह के ऊपर बात करनी चाहिए? राज्य सरकार का, राज्य सरकार के सलाह पर कल वो असेंबली में भाषण करेंगे, क्या सीए में भाषण करेंगे? राज्य सरकार की सलाह पर भाषण करना चाहिए था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी उन्होंने छोड़ दी, उसके लिए गड़बड़ हुई है। ही एक्टेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बीजेपी। प्लीज एक्सप्लेन, इज इट कॉन्स्टिट्यूशनल कि अगर राज्यपाल वहां से कह रहे हैं और उन्होंने कोर्ट, मुझे आप बताइए कि गलत बात कोर्ट की उन्होंने तो मैं मान लूं कि गलत बात अगर मंच से कह रहे हैं, संवैधानिक पद पर हैं तो उन्हें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इज इट कॉन्स्टिट्यूशनल कि एक राज्यपाल जब भाषण दे रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति, माना कि वो बहुत बड़े इतिहासकार हैं और वो भी सम्माननीय, लेकिन वो उठकर आएंगे मंच पर बोल रोक देंगे? आप उसके बाद भी बयानबाजी कर सकते थे, आप कह सकते थे कि इस तरह की बोलेंगे कि ये गंदगी आपकी है, ये गंदगी बोलेंगे आप 88 ईयर आदमी के स्कॉलर को आप गंदगी बोलेंगे? सर एक मिनट, आपने बोला उन्होंने कोट किया वो गलत कोट, तो उसके लिए वो खड़े हो गए। एक सवाल का जवाब दे दीजिए ना, क्या गलत कोट किया? इरफान हबीब की तरह मौलाना आजाद ने भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज खोली थी, अपनी आवाज बुलंद की थी, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, मौलाना आजाद की आइडियोलॉजी के सेनानी भी थे, पाकिस्तान के पैरोकार नहीं थे, उनकी जबान बंद करेंगे? अरे ये गोडसे वादी लोग हैं, संजय गोडसे को मानने वाले लोग हैं, ये मौलाना आजाद को कैसे कोट कर सकते हैं? अनिरुद्ध जी के पास बाद में जाऊंगी, आपके पास पहले आ जाऊं, कुछ बोलेंगे आज? देखिए मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जिस तरह का आज ये माहौल है, इस देश का दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन जो कि संविधान बचाओ आंदोलन के रूप में इस देश के अंदर आज शुरू हो चुका है, और जिस तरह से मेरे भाई अभी कह रहे थे पार्टी ने शुरू किया, ये भी सुनिए ना मैडम, एक मिनट में, प्लीज एक मिनट, एक लाइन में पूरी कर लूं, कह रही थी बस, मुझे एक तो लाइन कह लेने दीजिए या फिर मैं चुप हो जाता हूँ। हमेशा ये रहता है, आप मुझे कहने तो दीजिए एक बार। तो एक मिनट अब सुन लीजिए, स्वतंत्रता आंदोलन की आपने बात कही, उसमें हर व्यक्ति खुद से कूदा था ना सर, नेतृत्व रहा है अलग अलग गुटों का, लेकिन लोग ने खुद पार्टिसिपेट किया था। जब आप कह रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों से माफिया मांगी थी, अगर मुझे आप सुनना चाहें तो मैं बोलूं नहीं, मैंने जो लाइन पूरी कर दी, मैंने एक शब्द भी सेंटेंस भी पूरा नहीं किया कि आपको अच्छा नहीं लगा। और देखिए आप चर्चा पे किसी को बुलाते हैं तो आपको सुनना चाहिए, इतना सरकार का पक्ष लेना अच्छी बात नहीं है। सुनिए आप श्वेता जी, दो मिनट आप जरा मुझे कह तो लेने दीजिए, क्योंकि मुझे आपने बुलाया, मैं आपकी बात तो नहीं बोलूंगा, अपनी बात को रखूंगा। मैं कहना चाहता हूँ इस देश के अंदर दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन आज शुरू हो गया है, क्योंकि इस देश के अंदर जो पहले गोरे अंग्रेज थे आज काले अंग्रेज आ गए हैं। काले अंग्रेज कौन? जो काली टोपी पहनते हैं। और जो बात अभी हो रही थी यहाँ पर
कि जिनकी विचारधारा उन अंग्रेजों से कम तानाशाहीपूर्ण नहीं है, वो इस देश के अंदर इस देश के कलेवर को कुचलना चाहते हैं, इस संविधान को कुचलना चाहते हैं, इस देश के अंदर जो भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, इसको कुचलना चाहते हैं। और जो इनको कुचलना चाहते हैं अगर, और जो देश को बचाना चाहते हैं, चाहे वो देश का छात्र हो, चाहे देश का अल्पसंख्यक हो, चाहे देश का पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, किसान हो, व्यापारी हो, आज सब देशद्रोही की लाइन में मान लिया गया है। तो आप मुझे बताइए देश के अंदर जो संविधान की राज्यपाल की जिम्मेवारी है, राज्यपाल की, अगर वो अवसर प्रयोग करते हैं किसी धार्मिक आधार पर, जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे वो देश को बचाने के लिए कर रहे थे, आप ये कहना चाह रहे ना? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, नहीं मैंने तो राज्यपाल से न्यायपाल की पूछा ना सर, वहाँ बताइए ना, राज्यपाल की भी एक सीमा है, उसको इस बात को समझना चाहिए कि उनके ऊपर जिम्मेवारी इस देश के संविधान को बचाने की, बढ़ाने की, इस भावना को संभालने की। और जो इस देश के अंदर आग लगी है, सरकार के द्वारा जो जो बयान दिए जा रहे हैं उससे जो आग लगी है, उससे इस देश को रोकने का काम राज्यपाल का है, उसको बढ़ाने का काम नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और इसके अंदर किसी को दबाने का या किसी को कूड़ा कचरा कहना या गलत कोट करना, मैं समझता नहीं, गलत कहां से कोट किया, यही तो मैं जानना चाह रही हूं, मुझे बता दे, जब एक समाज को आप कूड़ा कचरा कहने लगे तो क्या ये ठीक है? नहीं नहीं, तो बाहर करने की, आप मुझे बताइए क्या ये ठीक है? क्या बात है, और समझ लीजिए, इस देश का कचरा वो है जो गोडसे को मानते हैं, महात्मा गांधी को मानने वाले लोग कभी कचरा नहीं हो सकते। किसने कहा सर? देश की आधारभूत संरचना बनाने वाले व्यक्ति वो है जो महात्मा गांधी को मानते हैं। मुट्ठी भर लोग जो लोग इस देश के अंदर पूरे देश को नहीं मानने लगी, वो कभी देश के अंदर, संजय गुप्ता जी, देश के अंदर देश की जनता 130 करोड़ से बनती है, चंद पार्टी के कार्यकर्ता नहीं डिसाइड करेंगे, या जिस संघ की आप बात कर रहे हैं देश के, देश को आजाद करने वाले लोग तय करेंगे, बार बार आरोप है महात्मा गांधी के विचार तय करेंगे, नहीं इस देश को बनाने वाले लोग तय करेंगे, अनिरुद्ध कौन तय करेगा? अनिरुद्ध जी, ये कुछ थोड़ा सरकार में बैठे काली टोपी वाले लोग तय करेंगे, काली टोपी तय करेंगे, काली टोपी वाले लोग जो टोपी काले दिमाग वाले लोग तय करेंगे, अरे इतना मत बांटो सर, इतना मत बांटो, जिस दिन आम जनता जाग गई उस दिन सभी पार्टियों का, नफरत फैलाने वाले लोग, सभी पार्टियों का हुक्का पानी बंद होगा, फैलाने वाले लोग, आम आदमी जाग गया, भाई से भाई को बांटने वाले लोग तय करेंगे। संवैधानिक पद पर है राज्यपाल, देखिए मुझे थोड़ा तो गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, चाहिए क्योंकि कई लोगों ने नहीं नहीं हाँ बिल्कुल, इसीलिए थोड़ा सा तो थोड़ा सा वो शब्द जो ऐसे बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल, ऐसे माहौल में शायद टीस की तरह चुभते, अगर आप कोर्ट भी किसी को कर रहे, लेकिन शायद समझाने का तरीका अलग हो सकता था। बिल्कुल आना चाहूंगा, मुझे मैं ये कहूंगा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो उसमें कमल का फूल ही आया था, और रह गए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास जो आज बोल रहे मित्र कि वीर सावरकर को गाली देके तू तड़ाक करके उन्होंने लिखा था भारत का स्वतंत्र समर, आप वो पढ़िए जिस वीर सावरकर की बात, वो 18 स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रहे हैं, उन्होंने लिखा, नहीं तो आपके लोग ना माफी मांगी, सावरकर साहब ने कितनी बार माफी मांगी, तो राहुल गांधी से पूछिए ना, आपसे पूछ रहा हूं, राहुल गांधी, आप बता दीजिए, राहुल गांधी से पूछिए ना, माफी मांगे 84 बार, अरे चुप रहिए, सावरकर बनने की हिम्मत नहीं है आपसे, माफी मांगी है नहीं बता, अरे चुप रहो, आप ये बना रहे हैं कि हिम्मत नहीं है, सन 1936 के बाद से सावरकर बनने की हिम्मत नहीं है, सावरकर बनने की हिम्मत नहीं है, 40 तक अरे राहुल आंदोलन की देश का बंटवारा इन्होंने कर दिया, 1947 में धर्म के आधार पे बंटवारा कर दिया, 1984 में जेनोसाइड इतना बड़ा किया, देश की जनता जानना चाहती है, के साथ इतना बड़ा, ये गौड़सेवादी लोग बताते हैं, अरे तो आप राहुल गांधी पप्पू वादी है ना साहब, सुनिए ना, आप तो राहुल गांधी वादी है ना, 47 तक अरे महात्मा गांधी वादी है, आजादवादी, हम महात्मा गांधी वादी है, हम सुभाष चंद्र वादी है, हम गौड़सेवादी नहीं हो सकते, मौलाना अब्दुल कलाम वादी है, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल वादी है, लेकिन जैसे मैंने बोलना शुरू किया इन आप देश को बांटते हैं, गॉड से वादी नहीं है, संजय जी हम गॉड से वादी नहीं है, अरे चुप रहिए, आप कौन से वादी है, चुप रहिए, कंटिन्यू करने दीजिए डिबेट को, 26 से 47 तक आप मुझे बता दीजिए सावरकर साहब ने किन में आंदोलन किए, बता दीजिए, अरे चुप रहिए, आप छोड़िए ना, आप आपके पास झूठ बोल रहे हैं, आप चुप रहिए, बोलने दीजिए, अगर बोलना शुरू करोगे चुप हो जाएंगे आप, इस टॉपिक पर जो टॉपिक है, देखिए वहां पे कल शाम को ये मुझे एक सडनली एक वीडियो आता है और मैंने देखा, अरे एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के साथ में इरफान हबीब जी क्या कर रहे हैं, वहां पे वो चीफ गेस्ट बनके गए थे, 1.5 घंटा सब लोगों ने बोला, तब वहां पे माननीय राज्यपाल जी ने उठ के बोला, जो कि बोलना जरूरी होता है क्योंकि वो वहां पे चीफ गेस्ट थे, कन्नूर यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम था,
अब वहां पे बात आती, जो भी उन्होंने बोला जैसे बोला, इरफान हबीब ये समस्या क्या है, इरफान हबीब हो, रामचंद्र गुहा हो, रोमिला थापर हो, इन्होंने हिंदुस्तान की इतिहास को बर्बाद करके पढ़ाया बच्चों को, एनसीईआरटी किताबें उठा देखिए, इतिहास को पूरा बर्बाद करके पढ़ा दिया, या औरंगजेब को पढ़ाया, दारा सिकोह को नहीं पढ़ा पाए, समस्या यहां पर है। और जब इन लोगों का असलियत सामने आती तो इन लोगों को बड़ी मिर्ची लगती है, दिक्कत यहां पर है। अगर ये दारा सिकोह को पढ़ाए होते, मंदिर बना रहे हैं अब तो, अरे चुप रहो ना, अरे चुप रहिए ना, अरे औरंगजेब के मित्रों चुप रहो, चल गुरु चुप रहो, या तो मेरे के मित्रों चुप रहो, या क्या गंदे दिन आएंगे, रोने वाले क्या खाया जाएगा, अरे पाकिस्तान के पोस्टर बॉय चुप रहो, आप तो पाकिस्तान के पोस्टर बॉय चुप रहो, ये याकूब मेनन को मानने वाले लोग हैं, अफजल गुरु को मानने वाले लोग हैं, आईएसआई को मानने वाले लोग हैं, ओसामा को मानने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो याकूब मानने, इनको ये नहीं पता होगा कि 1948 में पहला व्यक्ति कौन शहीद हुआ, छात्र करेंगे, इनको 1948 में बता दो कौन सा पहला व्यक्ति शहीद हुआ, कबायली हमला हुआ कौन सा व्यक्ति शहीद हुआ, इनको ये नहीं याद होगा, इनको ब्रिगेडियर उस्मान का नाम नहीं याद है, अब्दुल हमीद का नाम नहीं याद है, तैनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम नहीं याद है, अरे आपको मानने वाले लोग हैं, आपको कामयाब नहीं होने देंगे, आपको कामयाब नहीं होने देंगे, समझ में आते, इनको याकूब मेनन समझ में आते, ये मोहम्मद रफी को नहीं समझते हैं। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, जब सीए का मुद्दा इतना गरमाया हुआ है अनुज जी, तो ऐसे में तो जिस संवैधानिक पद पे थे, किसी और तरीके से भी समझाई जा सकती थी बातें, प्रोटेस्ट हो रहा था, माना राज्यपाल जब बोल रहे थे प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन वो कोट करना, वो बस सिंपल से श्वेता जी बस एक लाइन, आप वो इंटरव्यू की बात करेंगे जिसमें एनआरसी को लेकर जिक्र किया है, जी नहीं, एक इंटरव्यू था, उनसे किसी पत्रकार ने पूछा भारत में मुसलमानों का भविष्य क्या है, उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि भारत में मुसलमानों का, जो भारत का भविष्य है वही भारत के मुसलमानों का भविष्य है। इरफान हबीब, इरफान खान जी जो हैं एक इंटेलेक्चुअल वर्ग से आते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जब वहां पे वो चीफ गेस्ट गए थे प्रोटोकॉल के तहत, जब चीफ गेस्ट वहां पे गए और वहां जब बोला जाने लगा, उसके बाद जब उनका नंबर आता, बिल्कुल बोलना चाहिए, इसमें प्रोटोकॉल, ये तो गजब की बात हो गई, ट्रिपल तलाक में सरिया बोलेंगे और इसमें बोलेंगे संविधान की आग बड़ी आ जाती है। देखिए देखिए, वर्ड आपको पढ़ के सुना दूं तो आपको भी बुरा लगेगा, पार्टीशन गंदगी को बहा ले गया, लेकिन कुछ गड्ढे बच गए हैं जिसमें पानी बच गया है, और वहां आज बदबू आ रही है, मैडम वो वीडियो हमारे पास बहुत अच्छे से है। नहीं, आप एक बात बताइए, इरफान हबीब जब बोल रहे थे, इरफान हबीब का इस तरह की बात से आप सीए को लेकर समझाएंगे, इरफान हबीब को इतनी मिर्ची क्यों लगी, सीए को समझाने के लिए इस तरह की बातों का जिक्र करना जरूरी है, कर पाए वो, अगर इरफान हबीब इतने बड़े इंटेलेक्चुअल हैं जिन्होंने पूरे इतिहास का बेड़ा गर्त किया रोमिला थापर और रामचंद्र गुहा, ये लोग तो कम से कम जाके इंटेलेक्चुअल ढंग से तर्क के साथ करते, फैज अहमद फैज आप उसको धक्का देके, ये तो बात सही है, ऐसा है अहमद, नहीं एक मिनट पहले क्वेश्चन सुन लीजिए, बात तो सही है कि अगर राज्यपाल वहां से मंच से कुछ कह रहे हैं जो आपको लगता है कि गलत है, तो आप उसके बाद मीडिया के सामने भी आ सकते हैं, आप राज्यपाल को ज्ञापन खुद भी दे सकते हैं कि आप संवैधानिक, राज्यपाल से ऊपर भी आप जा सकते हैं कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, क्या ये उनके डेकोरम में था, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल था कि राज्यपाल जब कह रहे हैं तो आप उनके सुरक्षाकर्मी को रोकने के बावजूद आप खड़े होकर वहां विरोध इस तरीके से दर्ज करा रहे हैं? मौजूदा सरकार की पॉलिसियों से ये बात साबित हो गई है कि उनकी सरकार और उनके राज्यपाल पूरी तरह से भाजपा के प्रवक्ता बन के काम कर रहे हैं, और ये वही लोग हैं जो गोडसे और मोहम्मद अली आप की किसके मोहम्मद अली जिन्ना की आइडियोलॉजी को इमरान खान के प्रवक्ता हैं, ये जिन्ना वादी है, ये गोडसे कौन सही हुआ, ये जिन्ना के निशानों पर आगे बढ़ाने से व्यक्ति सही हुआ, ये जिन्ना के रास्ते पे 1948 में इंडियन को इनको यात्रा करने पर मात्र को पता नहीं होगा, हिंदुस्तान को बर्बाद के मेरे को पता नहीं होगा कि 1948 में सही होने वाला व्यक्ति कौन है, ये वो लोग हैं जो गोडसे वादी हैं, किसकी जिम्मेदारी बन रही थी कि जब एक यूनिवर्सिटी में इस तरह का आयोजन किया जा रहा है तो वहां इस तरह तख्तियां लेके लोग कैसे पहुंच जाते हैं, क्या ये इसके पीछे षड्यंत्र क्या है, क्या क्या स्ट्रेटेजी चल रही है, कुछ और कार्यक्रम था वहां तो सीए का मुद्दा उठना नहीं चाहिए था, कहां से पहुंच गई है, क्यों उठाया उन्होंने डॉक्टर कांगो, मुद्दा उन्होंने नहीं, डॉक्टर कांगो एक मिनट, फैज अहमद फैज, वहां प्रोटेस्ट हो रहा था सीए को लेकर, सीए को लेकर तख्तियां दिखाई जा रही थी, सीए को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था, तब उन्होंने बोला कि इस मुद्दे पर बात करनी होगी, और आप जब बात करने का दरवाजा जो है बंद करते हैं तब
तब कहीं ना कहीं इस तरह से जो हिंसात्मक जो देखने को उग्र आंदोलन मिल रहा है ना वो मिलता है, ये उनका कहना है मोहम्मद आरिफ खान का। तो वो प्रोटेस्ट करने के लिए कैसे आखिर एक यूनिवर्सिटी के अंदर लोग पहुंच जाते हैं, इसे काम ले रहे हैं। अच्छा वो गलत बयानबाजी, डॉक्टर कांगो, डॉक्टर कांगो, थोड़ी देर के लिए डॉक्टर कांगो को शायद कहीं जाना है इसलिए मैं उनसे स्टेटमेंट ले लूं। आपको क्या लगता है, सिंपल क्वेश्चन है, केरल में लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट है जी, वहां के चीफ मिनिस्टर ने सीएए के बारे में, एनआरसी के बारे में अपने बयान दिए हैं और पार्टी की और गवर्नमेंट की क्या पोजीशन है वो क्लियर की है जी। अब ये आरिफ मोहम्मद खान ये गवर्नर है यानी वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव है जिनको गवर्नमेंट की सलाह से, सुनिए गवर्नमेंट की सलाह से, मेरे को बुला लीजिए, अरे यार उनको तो गवर्नर बोल के निकाल देना चाहिए, हमारी डिमांड रहेगी आगे चल के, अभी तो छोड़ दीजिए उसको, वो बाद में जाएंगे। इरफान हबीब के गलत इतिहास को कोट करना, सुनिए मेरी बात, अभी को इतने बड़े इंटेलेक्चुअल समस्या क्या है आप लोगों की ना, सुनिए क्या सुना रहे हैं। अरे भाई जिस मौलाना आजाद को कोट किया था उसी मौलाना आजाद ने जामा मस्जिद के सामने मीटिंग लेकर हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों को कहा था कि आप डरिए मत और पाकिस्तान जाइए मत, मुझे, और मुझे, उसके बाद वो यहाँ पर रहे थे, गंदगी कह रहे हैं। मुझे लेफ्ट के नेता से एक सवाल है जी, पूछिए पूछिए, कार्यक्रम किस मुद्दे का था? कार्यक्रम ये मुद्दे पे था कि गवर्नर ने जो बयान दिया वो करेक्ट है क्या, और इरफान याद नहीं, और गवर्नर ने जिस कार्यक्रम में हिस्सा लिया वो किस मुद्दे पे, उस दिन का मुद्दा विषय क्या था सर, मुझे बता दीजिए। देखिए मैं वही बोल रहा हूँ कि गवर्नर ने वहाँ पर आके जो बयान किया उसके कार्यक्रम किस मुद्दे, कार्यक्रम किस मुद्दे, हिस्टोरिकल था तो सीए की तथ्यियां क्यों थी उस कार्यक्रम में? अरे भाई वो तो मुझे ये बता दो, कार्यक्रम इतिहास के ऊपर था, वो यूनिवर्सिटी सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, तो गवर्नर ने सरकार को पूछना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ ना, जब कोई मैं वही कह रहा हूँ, जब कार्यक्रम किसी और मुद्दे पे है और गवर्नर को आपने किसी मुद्दे पे वहाँ चीफ गेस्ट के रूम में बुलाया तो वहाँ लोगों के हाथों में तख्तियां वो किसी दूसरे मुद्दे को लेकर के क्यों थी? ये क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? वो गवर्नर थे, मैं वही कह रहा हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ, क्या इसमें सरकार की नाकामी नहीं छिपी है? नहीं, क्या सरकार के सुरक्षा अधिकारी वहाँ नहीं थे? मैं वही कह रहा हूँ, आपके जैसा यूपी में जाके लाखों को ठोक रहे हैं, ये सोच है सुनील जी, भाजपा के प्रवक्ता है, ऐसी सोच वहाँ भी पनप रही है लोगों में, इसीलिए जब राज्यपाल बोलने आए तो तख्तियां दिखने लगी, सोच पनप रही है। आप मान के बैठे हैं कि भाजपा के प्रवक्ता है राज्यपाल और आप लोगों ने संवैधानिक पदों को भी नहीं छोड़ा है, तख्तियां वहां क्यों थी जब कार्यक्रम कुछ और था, और वहां कौन लोग थे जो राज्यपाल पर अपशब्द कह रहे थे? गोली चलवा देते आप, अरे सर गोली चलने के ना, गोली चलने के विजुअल दिखा रहे हैं, गोली चलने के विजुअल दिखा रहे हैं, क्या बात? डॉक्टर कांगो से मेरा सवाल है, मेरा सवाल है, सरकार ये सरकारी मशीनरी का प्रयोग है, जामिया गोली चली, चले गए जामिया पे, चले गए जामिया पे, जामिया में गोली चली, चले गए जामिया पे, क्या झूठ बोल रहे हो बैठ के यहाँ पे टेलीविजन, गोलियां चलवाते, अरे गोलियां चली, जामिया गोली चली, झूठों की सरकार, ये तो एक झूठ पे झूठ बोलते हैं, अरे यहाँ कभी हुआ, आप बताओ ना जामिया गोली चली, सरकार तो, अरे आप लेके आओ जामिया गोली चली, अरे याकूब मेनन का मित्र लेके आओ, अरे चलो भाजपा की सरकार, अरे याकूब मेनन का मित्र लेके आओ, कहाँ गोलियां चली, अरे याकूब मेनन का मित्र लेके आओ, कहाँ गोलियां चली, अरे कहाँ गोलियां चली, याकूब मेनन का मित्र लेके आओ, पवन सोम, याकूब मेनन का मित्र, चलिए पवन सोम, पवन सोम, पवन सोम, ये दो झूठों की सरकार, ये याकूब मेनन के मित्र बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, माफ कीजिएगा, गलत बयान से काम ना ले आप, फैज अहमद साहब, फैज अहमद साहब, फैज अहमद साहब, फैज अहमद साहब, आप ही गलत बयान दे मित्र, अच्छा नहीं लग रहा सर, अच्छा नहीं लग रहा, ये तरीका ठीक है, डॉक्टर कांगो को जाना था, डॉक्टर कांगो को जाना था, ये तरीका नहीं होता है, ये तरीका नहीं होता है कि सब लोग अपनी बात ना रह पाए, फैज अहमद साहब, फैज अहमद साहब, झूठ बोलेंगे तो आपको बोला जाएगा, अनुरोध जी, अरे याकूब मेनन से क्या मतलब, एक मिनट वही तो बोल रहे हैं, एक मिनट आज जिस जो मुद्दा है आज उस पर बात कर लेना सर, दूसरों को भी मौका दीजिए, फैज अहमद साहब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, राज्यपाल भाजपा के कार्यकर्ता, ये आपकी सोच है ना, दूसरे से पूछ ले, दूसरे से पूछ ले, पवन सोम कुछ पॉइंट हो तो आप बोलिए, अनिरुद्ध जी बोलिए ना, प्लीज आप बोलिए, अनिरुद्ध जी प्लीज, लेट मी कंटिन्यू, नहीं ये पहले बोले जामिया गोली चली उसका एविडेंस है, नहीं नहीं फिर क्या एविडेंस, आज मैं बात ही नहीं करूंगा, अनिरुद्ध जी प्लीज, मैं झूठ सुनने के लिए बैठा हूं यहां पे, पवन सोम,
पवन सोम, अरे सच को झूठ बता रहे हैं आप, सच को झूठ बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप, झूठ बता रहे हैं, 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 ऐसा कट्टरपंथ लोग देश में बर्बादी चाहते हैं, शायद इन्हीं का जिक्र किया गया, झूठ को लेकर के बार-बार फैला रहे हैं लोग, बिल्कुल क्या है, मैं सवाल ले लूं, झूठ बोलते हैं, will you guys allow me, किसी ने पाकिस्तान will you allow me, देखिए झूठ बात है, मेरा है और मैं कंडक्ट करूंगी, सवाल मैं पूछूं तो जवाब दीजिए, आपका मंच नहीं है, रिकॉर्ड से गांधी सावरकर इसका कहां जा रहे हैं सर, मुद्दा क्या है, घूम फिर कर वही आ जाने हैं एजेंडा, कभी तो डिस्कस कर लीजिए और फिर सीधे गोदी मीडिया का आरोप लगा देते हैं आप लोग, सवाल पूछने नहीं दे रहे, ये क्या तरीका हुआ, लौट के बस वही गांधी गॉड से, गांधी आज गांधी गॉड से हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, अरे उसके बाद आपको इसके बाद गांधी जी के नाम जो व्यक्ति गांधी को खुले गांधी के इतराज हो रहा है, अब यहां भी व्यक्ति की आजादी नहीं है, यहां अब व्यक्ति की आजादी नहीं है, इसका गॉड के गॉड से पूरा गांधी का पूरा गॉड से पूरा कैसे क्या ब्रो होता है इसमें जो गॉड से बिल्कुल पूरा होगा, गॉड से जिंदाबाद, बिल्कुल जिंदाबाद होगा, गॉड से जो नहीं होगा जिंदाबाद, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, आपको जरूरत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, यहाँ मंच खुला छोड़ देते हैं, आप लोग बैठ के ये डिस्कस कर लीजिए और जनता को सुन लेने दीजिए, टॉपिक क्या है सर, शर्म आनी चाहिए, टॉपिक क्या है, मैं सवाल पूछ लूं, लोग बैठे हैं, क्यों बुलाऊंगी सर, एक दो लोगों को बुला लेती हूँ, यहीं पे मारा पीटी कर लीजिए, टीआरपी आ जाएगी, पूछने तो दीजिए सर, क्या क्या कर रहे हैं अब, प्लीज अगर ऐसा होगा मैं आई विल लीव, पवन सोम ये जो बात हो रही है सियासत पे, एक सोच पे, देखिए फैज अहमद फैज की अपनी सोच है और मैं नकारती नहीं हूं, हर इंसान की अपनी सोच है, इनका कहना भाजपा के प्रवक्ता हैं और राज्यपाल इसलिए कह रहे थे, तो क्या ये सोच ही थी वहां पे कि तख्तियां लेके लोग मौजूद थे और नारे लगाए जा रहे थे सीए के, जब कार्यक्रम कुछ और है तो वहां सीए का विरोध कैसे होने लगा, ये तो कहीं ना कहीं या तो साजिश लगती है या तो जानबूझ के चीजें की गई है, क्योंकि यही सोच थी कि राज्यपाल जब बोलेंगे तो वो तो बीजेपी के प्रवक्ता है, जो सोच फैज अहमद फैज की है मेरी नहीं है, यही इसके पीछे यही साजिश थी कि वहां विरोध हो, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जैसे राज्यपाल वहां पहुंचे तो राज्यपाल के वहां पहुंचने से पहले ही वहां पर तख्तियां मौजूद थी जी, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि वहां आपके सिक्योरिटी का भी एक ब्रीच है कि वहां पर लोग तख्तियां लेकर पहुंच जाते हैं, क्योंकि जब राज्यपाल उस प्रोग्राम में पहुंचे थे तो जाहिर सी बात है वो किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं था या सरकार का प्रोग्राम नहीं था, तो वहां कम से कम ये सुनना चाहिए था कि राज्यपाल वहां किस तरह से उसको एड्रेस करने वाले हैं, और अगर लोग राज्यपाल जो एक संवैधानिक पद है उनके किसी ऐसे प्रोग्राम में भी तख्तियां लेकर पहुंच जाएंगे तो क्या फर्क रह जाएगा किसी रैली में जाकर आप वो प्रोटेस्ट करें और किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रोग्राम में जाके प्रोटेस्ट करें और एक राज्यपाल के प्रोग्राम में प्रोटेस्ट करें, उसका कोई फर्क नहीं रह जाता है, इस वजह से ये पूरा जो प्रोग्राम था मेरे हिसाब से वहां की जो राज्य सरकारें हैं उनके लिए भी एक सुरक्षा का मामला था, और अगर इस तरह से राज्यपालों के प्रोग्राम में इस तरह की तख्तियां लेकर लोग पहुंचने लगेंगे, आप सोचिए इस देश में हवा दे रहे हैं। इस पूरे देश में इतना गलत कल्चर, इतना गलत संदेश आ जाएगा कि सरकारों को वहां पर रहना और राज्यपालों काम करना मुश्किल हो जाएगा। मैं प्रश्न करना चाहता हूं, आपने बहुत अच्छी बात की है कि राज्यपालों का सम्मान भी करना चाहिए, उनकी पद की गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए, तो क्या नैतिकता की जिम्मेवारी राज्यपालों की नहीं है, आप महाराष्ट्र का केस उठा के देख लीजिए कि रात तक तो किसी बात का पता नहीं था और सुबह 8 बजे सरकार का वहां पर शपथ ग्रहण हो गया, किस तरह के काम राज्यपाल आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट के नेतृत्व में कर रहे हैं ये भी समझना पड़ेगा, इस पर भी चर्चा करनी पड़ेगी, मगर देखिए नहीं मैं सुनिए मैडम एक मिनट प्लीज, इस पर भी आपको समझना पड़ेगा, दोनों पक्षों को समझने की जरूरत है, अगर हम अगर ये राज्यपाल अगर कोई व्यक्ति बना है उसके भी जो बात अभी हमारे CPI के मित्र कह रहे थे, उन्होंने बताया कि जो सरकार का फेस होता है वो राज्यपाल होता है, वो बाउंड होता है कि वहां की चुनी हुई सरकार के अकॉर्डिंग वो बोले, अगर वो उससे बाहर जाके बोलते हैं उसके खिलाफ बोलते हैं, इस पर भी चर्चा करनी चाहिए, रख सकते हैं सर,
नहीं नहीं मैडम एक बात सुनिए, वो बाउंड है कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, वो बाउंड है वहां की चुनी हुई सरकार से। अगर वो उससे बाहर जाके बोलते हैं तो इस तरह से फेस करना पड़ेगा। अगर हम उसकी दादी की सुनिए, आज हम राज्यपाल की दादी की बात करने जाएंगे मतलब ये छोड़ के राजनीति में आ जाए, मतलब कल अपने पद से इस्तीफा देके आ जाए। अगर कल मुझे बताइए, नहीं नहीं और दूसरी बात मैंने पूछी है, जब राज्यपाल अपने अधिकारों का गलत यूज करते हैं तब हम चर्चा करते हैं क्या? नहीं गलत कर रहे, तब हम चर्चा नहीं करते गलत है। संजय जी आप बड़े वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, बड़ा कार्यकाल आपने देखा है, जब कोई सरकारी कार्यक्रम होता है, सरकार से संबंधित कोई कार्यक्रम होता है, तो वो सरकार की भाषा गवर्नर बोल सकते हैं। यदि प्राइवेट तौर से किसी यूनिवर्सिटी में या प्राइवेट लोग कुछ कार्यक्रम में बुलाते हैं तो ये जायज नहीं है गवर्नर सरकार की भाषा बोले। दूसरी बार कई स्टेटों में ऐसा नहीं है, जब यहाँ पे मोतीलाल बोरा हुआ करते थे तो रातों की रातों जगदम्बा पाल को सब बदलवा दी। ऐसा कई ऐसे एग्जाम्पल दर्जनों नहीं हजारों की संख्या में भरे पड़े हैं देश में, और ये बिल्कुल निश्चित तौर से है कि जो केंद्र सरकार जो होती है उसके इशारे पर गवर्नर काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन पिछले दो चार साल से हमको देखने को मिल रहा है, यहाँ राम नाईक जब उत्तर प्रदेश में गवर्नर थे तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 36 का आंकड़ा था, ठीक है कि नहीं, बड़ा समीक्षा सरकार को देते थे, निर्देश करते थे, टिप्पणी भी करते थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं आया कि आप गवर्नर के कार्यक्रम में जाकर हुड़दंग कर रहे हैं या गवर्नर को ये तख्तियां दिखा रहे हैं, गवर्नर का रास्ता रोक रहे हैं। आप पश्चिम बंगाल के गवर्नर को देखिए, पश्चिम बंगाल में गवर्नर के साथ क्या हो रहा है, केरल में क्या हो रहा है, तो ये संवैधानिक पोस्टों को जब आप बर्बाद करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ, हो सकता है आगे जाके सत्ता में आप भी आएंगे, हो सकता है आगे जाके सत्ता में कांग्रेस भी आएगी, ऐसा नहीं है, सुनील जी आपने बहुत जिम्मेदारी से बात रखी, बहुत अच्छी तरीके से रखी है, बिल्कुल ठीक है कि इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए, मगर मुझे एक बात बताइए कि जब राज्यपाल सीए पे जाके जैसे कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज पे बात करेंगे तो कौन गवर्न करेगा कि उसके अंदर हो। देखो अब आप राजनीति करोगे, आप ये बताओ जब इतिहास के मैं जब इतिहास के कैसे बाउंड कर सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं, जब इतिहास के मुद्दे पर कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में चीफ का गवर्नर साहब को बुलाया गया, ठीक है कि नहीं, गवर्नर सीए क्या कह रहा हूं, सीए और कैब की तख्तियां वहां क्यों थी, ये हर व्यक्ति को गुस्सा आएगा कि जब उससे संबंधित कोई कार्यक्रम है ही नहीं, और दूसरी बात जब सारे लोग बोल रहे हैं तब सीए की तख्तियां नीचे रखी हुई हैं, और जब गवर्नर गवर्नर जब बोलते हैं आप पूरा वीडियो उसको देखिए, पूरा वीडियो जब इतिहास का विषय था सीए पे क्यों बोल रहे हैं, मैं वही बोल रहा हूं, जब शुरू के जब दो तीन मिनट का भाषण आप देखोगे तो उसी पे उन्होंने बोला है, लेकिन जब तख्तियां सामने निकल के आई है तब उन्होंने स्पीच मैं गवर्नर का प्रश्न रखना, बीजेपी से मुझे कोई लेना देना है, कहीं से भी हवा नहीं देनी चाहिए। अनिरुद्ध जी कंटिन्यू, अभी लेफ्ट लेफ्ट की बातें तमाम हुई कि लेफ्ट में वहां पे सरकार का है पक्ष का, देखिए जब गवर्नर का प्रोटोकॉल बनता है तो गवर्नर का चिट्ठी जब जाती है उनके यहाँ कार्यक्रम की, क्योंकि कई बार हम लोगों ने भी कार्यक्रम लिए हुए हैं राज्यपाल के, तो उसका एक तरीका होता है कि उनके यहाँ चिट्ठी गई होगी यूनिवर्सिटी की चिट्ठी के बाद में उन्होंने हाँ बोला होगा, अपने यहाँ चेक किया होगा, समय वगैरह का चेक किया, एजेंसी एनओसी देती है, उसके बाद फिर वहां से सिक्योरिटी सुन लीजिए बिना सिक्योरिटी लाइजन किया जाता है, अरे सुन लीजिए होते हैं यूनिवर्सिटी के स्टेट का डिस्ट्रिक्ट वहां पे क्लियर करता है, तब वहां पे प्रोग्राम लगता है उनका, और अगर एक बार गवर्नर अंदर हो जाता है तो लोग जल्दी अंदर बाहर नहीं हो पाते हैं, क्या बात आप कर दी है आप और तख्ती लेंगे, और डेढ़ घंटे के बाद उन्होंने बोला, जब वहाँ पे बातें खूब हुई तब उन्होंने बोला, प्रेम कुमार जी मैंने पहले ही आपसे रिएक्शन लिया, आपने उसी में बहुत बैलेंस वे में बताया था, अभी वापस से बात वही आ रही है कि एक गलत कल्चर को कहीं ना कहीं आगे ये बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता तक कहे जा रहे हैं राज्यपाल, तो ऐसा तो नहीं है आज बीजेपी के हैं और ये पार्टियों से ही उठ के राज्यपाल जो है वो चुने भी जाते हैं, तो कल कांग्रेस की भी सरकार आ सकती है, तो इस तरह से गलत कल्चर को अगर बढ़ावा देंगे, जो हुआ वो अलग तरीके से विरोध दर्ज कराया जा सकता था। मैं आरिफ मोहम्मद खान जी के ही बयान से बात को बताता हूं कि उन्होंने कहा कि सारे वक्ता चूंकि सीएए पर बोल रहे थे, और तो मेरे लिए
ये जरूरी हो गया कि मैं उसका जवाब दूं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये केंद्र सरकार का मैं प्रतिनिधि हूं, इसलिए जो कोई कानून बन जाता है तो उस कानून की रक्षा करना मेरा दायित्व होता है, ये उनका पक्ष था। लेकिन मैं इससे बहुत सहमत नहीं हूं, वो भी लाइन में रखना चाहता हूं। वो ये है कि देखिए, जब एक राज्यपाल जो है, राज्यपाल को ऐसे समय में जबकि माहौल राजनीतिक हो रहा है, वक्ता राजनीतिक बात बोल रहे हैं, तो ऐसे समय में उनको जवाब देने के बजाय प्रोग्राम छोड़ करके बायकॉट करके चला जाना चाहिए था, उनको तूतू मैं नहीं करना चाहिए था। उन्होंने उसके जवाब में जो बातें कही उसने और माहौल को विषाक्त बनाया, खराब किया माहौल को, ये बात पॉइंट नॉट डॉट करने की है। जी पॉइंट, कहीं ना कहीं मामला इसलिए तूल पकड़ गया क्योंकि कहना है कि राज्यपाल जो है वो कहीं ना कहीं आक्रोश में वो बातें कह गए जो शायद वहां नहीं कहना चाहिए था। लेकिन अगर राज्यपाल ने कह दिया, क्योंकि लगातार सीए पर ही बातें वक्ताएं रख रहे थे और उनका उनकी भी अभिव्यक्ति की आजादी, उन्होंने कह दिया, तो ये जो विरोध का तरीका है, एक तो पहले तख्तियां लेकर कौन पहुंचा और तख्तियां लेके राज्यपाल के समय ही क्यों हूटिंग की गई, और दूसरी बात है कि उसके बाद जिस तरीके से इरफान हबीब उठकर आए, उन्हें सुरक्षाकर्मी रोक रहे हैं, अब जब फैज अहमद फैज जैसे लोग बैठ के इरफान हबीब को सपोर्ट कर रहे हैं, तो गलत कल्चर को बढ़ावा नहीं है, आपको नहीं लगता? देखिए, माहौल तो इस देश में यही ऐसा हो गया है कि बात छोटी सी भी हो तो हिंदू और मुसलमान करके बातें होने लगती। जब फैज साहब प्रतिक्रिया देते हैं तो वो भी दूसरे तबके को बिल्कुल बुरा लगता है और इससे भी समाज को खाई पड़ती है। इनको भी ऐसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि बहुसंख्यक समाज का की सहानुभूति इनके साथ कैसे पैदा हो, वो लोग इनको कैसे समर्थन करें। ये अपनी लड़ाई मुसलमान बन के क्यों लड़ना चाहते, भारतीय बन करके क्यों नहीं लड़ना चाहते, सबका साथ लेकर के? जी जी, अपनी प्रतिक्रियाओं में भी आपको शो करना पड़ेगा। लोगों को छोड़कर भाजपा और आरएसएस हिंदुस्तान के खिलाफ है, सीए के खिलाफ है। वो मैं कह रहा हूं कि ये जो माहौल है कि इधर और उधर करके देश को बांटना, ये खतरनाक माहौल पैदा हो रहा है। हिंदुस्तानी बन करके लोग बात करें, भारतीय होकर के बात करें। हम अगर एक 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 लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसमें दूसरों का समर्थन कैसे मिलेगा, इस तरफ से बात करें। इसलिए अपनी प्रतिक्रियाओं में हर वर्ग जितना संयत होगा वो अपने काउज के साथ में उतनी ईमानदारी बरत रहा होगा, ये मैं कहना चाहता हूं। मतलब एक भड़काऊ भाषण दे तो दूसरे को तो कम से कम समझना चाहिए, बिल्कुल समझना चाहिए, वरना कहीं ना कहीं नुकसान तो हमारा है। बिल्कुल, जो प्रेम जी ने बोला मैं इनकी बिल्कुल बात से सहमत हूं। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि जहां इरफान हबीब जैसे लोग जब बैठे थे और उनको जब गवर्नर की भाषा बहुत अच्छी नहीं लग रही थी तो वो भी बायकॉट करके बाहर जा सकते थे। बिल्कुल, वो गवर्नर की तरफ क्यों बढ़े? बिल्कुल, तो उन्होंने भी वो उस प्रोटोकॉल को तोड़ने का प्रयास किया। कौशिक जी, देखिए, राज्यपाल से दूसरे किसी व्यक्ति की तुलना नहीं कर सकते। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, गवर्नर को बायकॉट करके जाना चाहिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन यदि इरफान जी को उनकी बातें पसंद नहीं थी या लोगों को पसंद नहीं थी, देखो एक हॉल में कार्यक्रम था, कोई मैदान में कार्यक्रम नहीं था। और ये बिल्कुल गवर्नर के, हमने और आपने कई प्रोग्राम देखे नहीं है, बिल्कुल जाकर के रिपोर्टिंग भी की है। जब गवर्नर का कार अंदर प्रवेश कर जाता है तो एंट्री बिल्कुल रुक जाती है, जब तक गवर्नर साहब बाहर नहीं चले जाएंगे, बिल्कुल सील हो जाता है वो। उस बाद में ना ये प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि उस कार्यक्रम में ऐसे तत्व घुस रहे हैं ना, अंदेशा है कि वहां विरोध हो सकता है। तख्तियां जब हाथों में होती, जेब में रख के तख्तियां नहीं ले गए वो, या जूतों में छुपा के तख्तियां नहीं ले गए, तो कहीं ना कहीं वहां सुरक्षा अधिकारी जो है उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, और ये प्रशासन पहले से रोकता इस बात को लेकर के, चर्चा तो उसी पर हुई जो राज्यपाल ने कहा। तो नजर आता है कि वहां पे रोकना चाहिए था इस तरह की चीजों को, जहां राज्यपाल गए हैं, और राज्यपाल को भी कहीं ना कहीं संयम बरतने की जरूरत थी, शायद इतना आक्रोशित भाषण नहीं देते। और जो इरफान हबीब ने किया वो किसी तरीके से सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप ये प्रोटोकॉल में ही नहीं आता, ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी कोई नहीं कहेगा कि आप इस तरह मंच पर जाके जब सुरक्षा कर्मी रोक रहे हैं आप दूसरी तरफ से घूम कर जाते हैं उन्हें रोकने की कोशिश करते, ये तो कोई भी इस कल्चर को नहीं कहेगा, चाहे वो आप बीजेपी के प्रवक्ता कह लो राज्यपाल को, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता कहीं के राज्यपाल हो, लेकिन ये कल्चर कहीं से सही नहीं है। क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट के साथ मैं एंड करती हूं, तमाम गेस्ट मेरे साथ चर्चा में जुड़े, आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। गड्ढा पानी और बदबू, इसमें समझ लीजिए सियासी पार्टियां जो है वो गड्ढा है, और पानी हम जैसे लोग जो स्वच्छ पानी भी उस गड्ढे में अगर फंस जाए ना, तो बदबू जो आती है वो सियासत है।
ये सियासत करते रहेंगे, बदबू आती रहेगी, उसे साफ नहीं करेंगे, कहेंगे इस पर भी सियासी रोटियां सेक लो और इस पर भी बात करते जाओ, किसने बदबू फैलाई, किसने, इसको साफ करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो आप समझिए, आपको और हमको समझने की कोशिश है, कंधे पे बंदूक रखकर कौन चला रहा है। यही इसका आज का पॉजिटिव पॉइंट यही है कि हर किसी को अपने अपने पद की गरिमा रखना चाहिए। अगर राज्यपाल ने अपना ख्याल रख लिया होता और इरफान हबीब ने अपना, तो ये मामला तूल ना पकड़ता और हम बैठ के यहां डिस्कशन ना कर रहे होते। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार। नहीं सुनेंगे आप, एक मिनट में बाहर हो जाएंगे, नहीं सुनेंगे। कुछ गड्ढे बच गए जिसमें पानी बच गया, बदबू आ